इंडिया स्ट्रांग हो रहा है तो इंडिया बोलेगा मेरे को कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर क्या सकता, बात कर रहे हैं। हम जो है हमारे यहाँ से ओरिजिनेशन हो रही है रिवर्स की, हम कंट्रोल करेंगे, हमें क्या करना है, जिस तरीके से चाइना कर रहा है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के पास ऐसा कौन सा वेपन है जो हम यूज करके पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, और वो न्यूक्लियर तो नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कौन सा वेपन है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस टॉपिक पे हमने वर्ल्ड अफेयर्स की एक वीडियो भी पिछले महीने देखी थी। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। भारत के पास पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही मूव में पाकिस्तान का जीना इम्पॉसिबल कर सकता है, लेकिन आज तक हमने उसे कभी भी यूज नहीं किया। इस हथियार का नाम है वाटर। पाकिस्तान में जाने वाली नदियां भारत से होकर गुजरती है और हम पिछले 75 सालों से हमारा पानी पाकिस्तान को देते आए हैं, वो भी 50-50 नहीं, 80% पानी को हम खुशी खुशी अलविदा कहते हैं, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लेकिन क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से। यह है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक एक महीने पहले भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा और अब पाकिस्तान के पास बस 90 दिन है रिप्लाई देने के लिए। अगर पाकिस्तान इस नोटिस का ढंग से रिप्लाई नहीं देता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ सकता है। ये ट्रीटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों? 1947 में ब्रिटिश ने भारत के तीन टुकड़े किए, मेनलैंड भारत, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहां सिर्फ लैंड का ही नहीं, कई चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे मिलिट्री, IAS officers and natural resources like water. ये है सिंधु नदी जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है और फिर अरेबियन सी में मिलती है। इन नदियों के पानी पर किसका क्लेम था? ब्रिटिश एरिया में बांधे गए कनाल्स, बराजेस, वाटर वर्क्स का क्या? इनसे किसका फायदा होगा? इन सारी चीजों पर जमकर फाइट्स हुई। पार्टीशन के समय पंजाब के मेजर कनाल्स जो ब्रिटिशों ने बनाए थे वो भारत में आ गए, तो इन कनाल से कितना पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा ये डिसाइड करने के लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाई गई, लेकिन इससे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पार्टीशन के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन्स थे, बॉर्डर के दोनों साइड्स पर वायलेंस हो रहा था, वी वर एट वॉर विद पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट 1948 में इंडियन पंजाब के इंजीनियर्स ने पानी रोक दिया। उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि एक साइड हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे हैं, वो कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं, और हम बड़े संत महात्मा बनकर उन्हें पानी दे रहे हैं, और यहाँ हमारे किसान तड़प रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात है, तब भारत खाने में आत्मनिर्भर नहीं था, फॉरेन एड पर जी रहा था। पानी रुक जाने पर पाकिस्तान में फुल केओस हुआ। पाकिस्तान की सरकार नेगोशिएट करने के लिए आई और एक टेम्पररी अग्रीमेंट साइन हुआ। रिमेम्बर कि ये एक टेम्पररी अग्रीमेंट था। वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान के साइड के पंजाब ने भारत से कुछ समय मांगा था ताकि वो पानी के अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ पाए। ये सिलसिला अगले 2 सालों के लिए चलता रहा और फिर ये ओवर स्मार्ट इंसान बीच में आए, ये है डेविड लिलियनथाल, जिसने कहानी का रुख बदल दिया। उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान अनदर कोरिया इन द मेकिंग। उसने कहा कि पानी की वजह से इन दोनों देशों में वॉर हो सकती है। वो ये भूल गए कि पानी के बिना भी हमारे दो देश ऑलरेडी झगड़ रहे थे। डेविड ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक टेक्निकल इशू है और इंजीनियर्स मिलकर इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इस आर्टिकल को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने पढ़ा और वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस इशू को सुलझाने में हेल्प करेगा। मेरा एक सवाल है, भाई तू कौन है? तू कौन है? आई मीन वर्ल्ड बैंक बीच में क्यों आया? हमने भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को बीच में आने ही क्यों दिया? ये हमारा आपसी मामला है और हमें ये आपस में ही सुलझाना चाहिए था, लेकिन दोनों देशों की सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने दम पर डिसीजंस लेने के काबिल है ही नहीं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कश्मीर इशू में पड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब का इशू है और इसका कश्मीर के इशू से कोई लेना देना नहीं। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 वॉर्स होने के बावजूद हमने इस ट्रीटी को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या है इस ट्रीटी में, चलिए जानते हैं। चैप्टर 2, ये ट्रीटी करता क्या है? ओके, बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है, वो नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान में बांटता है। भारत कितना पानी अपने पास रखता है और कितना पानी उसे पाकिस्तान में छोड़ना होगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी डिसाइड करता है। फॉर दिस ट्रीटी नदियां 2 टाइप की होती हैं, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स पर भारत का 100% कंट्रोल है और वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का। ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए करते हैं तो हमें ये पानी 24 घंटों के अंदर अंदर वापस नदी में छोड़ देना होगा। इसे रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं।
रवि ब्यास सटलेज रिवर्स को भारत कंट्रोल कर सकता है, यानी इन रिवर्स के फ्लो पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। हमें इन तीन नदियों पर डैम्स या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने का फुल फ्रीडम है। ऑन द अदर हैंड, इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स पाकिस्तान के शहर में आते हैं। इनमें से हम सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए पानी यूज कर सकते हैं। ऑन द सर्फेस ये ट्रीटी लगता काफी फेयर है, तीन रिवर्स पाकिस्तान के लिए, तीन रिवर्स भारत के लिए। लेकिन इंडस रिवर बेसिन का 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब में होता है। यानी इस ट्रीटी के थ्रू 80% पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया है। प्लस ब्रिटिशों ने सारे कैनाल्स भारत में बनाए, तो इस ट्रीटी के थ्रू हमें पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड देने पड़े ताकि वो इन पैसों से पाकिस्तान के साइड में कैनाल्स बना पाए। भारत जैसे गरीब देश को पानी के लिए ये तगड़ी प्राइस चुकानी पड़ी। इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं ये देखने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है ताकि वो दोनों देशों पर नजर रख पाए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। कमीशन के मेंबर्स विजिट्स प्लान कर सकते हैं वाटर स्टोरेज साइट्स, डैम्स और कनाल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए टू एंश्योर कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। इस कमीशन ने पिछले 60 सालों में 118 विजिट्स प्लान किए हैं। अगर इस कमीशन को लगता है कि ट्रीटी फॉलो नहीं हो रही है तो इस ट्रीटी में एक 3-tier रेजोल्यूशन सिस्टम मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट। पहला स्टेज है क्वेश्चन, जहां एक देश दूसरे देश के एक्शंस पर सवाल उठा सकता। अगर दो देश इसे अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाए तो ये डिफरेंस का रूप लेता है। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आती है। ये सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसे वाटर इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है। इससे पहले कई डिफरेंसेस ऐसे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2007 में भारत चेनाब नदी पर एक 450 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शंस रेज किए, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट ने आकर प्रोजेक्ट के डिटेल्स को वेरीफाई किया और फिर माइनर मॉडिफिकेशंस किए। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने और ज्यादा पानी पाकिस्तान को अलॉट किया। अगर ऐसा एक्सपर्ट भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकता तो डिफरेंस डिस्प्यूट में बदल जाता है। डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए दोनों देशों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी नेदरलैंड्स में जाना पड़ता है। ये कोर्ट दोनों साइड्स को सुनेगा, सारे रिप्रेजेंटेशंस और टेक्निकल स्टडीज देखेगा और फिर अपना डिसीजन पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत चेनाब नदी पर किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता था, बट 2011 में पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेंट की। कोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट के हाइट को कम करने के लिए कहा। उन्होंने पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया और भारत के डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि पानी का फ्लो कम ना हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इशू क्या है? असली इशू तो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किशनगंगा एंड रातले पावर प्रोजेक्ट। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग को एक्सेप्ट किया। 2016 में पाकिस्तान ने यूनिलैटरली ये डिमांड वापस ली और डिमांड किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस चीज को सुना जाए। यानी पाकिस्तान ने सेकंड स्टेप को छोड़कर डायरेक्टली थर्ड स्टेप पर जाने की कोशिश की एंड वर्ल्ड बैंक ने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ग्रीन लाइट कर दिया। ट्रीटी खुद कहती है कि जब न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपने प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। उन्हें सेकंड स्टेप को छोड़कर थर्ड स्टेप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दोनों पार्टीज ने अलग अलग ओपिनियंस दिए तो किसका ओपिनियन सही होगा? वर्ल्ड बैंक का एक ही काम है कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे कि नहीं ये देखो। वर्ल्ड बैंक के पास कोई वीटो पावर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। भारत के प्रोटेस्ट के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया था, लेकिन मिस्टीरियसली 2022 में ये प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया। इसी इशू के प्रोटेस्ट में भारत ने पाकिस्तान को ट्रीटी अमेंडमेंट का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रीटी को चेंज करना है। इस ट्रीटी को इंटरनेशनल मीडिया कोऑपरेशन की मिसाल मानता है, लेकिन सच तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, इसीलिए ये ट्रीटी आज तक चल रहा है। जब रिवर्स की बात आती है तो आप उसे अपर और लोअर राइपेरियन नेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र के केस में चाइना अपर राइपेरियन नेशन है, भारत मिडिल राइपेरियन नेशन और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन नेशन है। अपर राइपेरियन नेशन के पास हमेशा से अपर हैंड रहता है। वो पानी का रुख कम्प्लीटली बदल सकते हैं, वो डैम्स और वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाकर पानी का फ्लो रोक सकते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी के केस में भारत अपर राइपेरियन नेशन होता है, यानी भारत के पास अपर हैंड है। इसी इक्वेशन में बैलेंस लाने की कोशिश इंडस वाटर ट्रीटी करता है। बट द फनी पार्ट इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एन अग्रीमेंट लाइक दिस विद एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान की लीडरशिप अक्सर उनके सारे वाटर की प्रॉब्लम्स इंडस वाटर ट्रीटी पर ब्लेम करती है। इस ट्रीटी के अंडर उन्हें 80% पानी मिल रहा है, फिर भी वो और ज्यादा कंट्रोल की मांग करते हैं। अगर पाकिस्तान में फ्लड्स होते हैं तो वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हम हमारे रिवर्स से ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ड्रॉट्स होते हैं तो वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हम पानी को रोक रहे हैं। इस ट्रीटी की वजह से भारत अपने बॉर्डर्स के अंदर अपने लोगों के लिए भी कोई डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज में पाकिस्तान को एक ऑब्जेक्शन है। चैप्टर 3, भारत का अगला स्टेप। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में
पढ़ेंगे तो आपको दो टाइप के ओपिनियंस दिखेंगे। एक टाइप कहता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ सकते, हमारी इंटरनेशनली नाक कट जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को पानी के टॉपिक पर चोक किया तो कल चाइना भी हमें चोक करेगा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि चाइना तो वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं सुनता, वो एनीवे मनमानी करता है और उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक वाटर वॉर ऑलरेडी छेड़ दिए। इसके बारे में और एक वीडियो आएगा जरूर। दूसरे टाइप के लोग हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को फॉर ग्रांटेड लिया है, उन्हें पता है कि एक ऐसा वेपन है जिसे यूज करने से भारत डरता है। लेट मी टेल यू वन फैक्ट, हमें मिलता ही कुछ 20% पानी है लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हमें सिर्फ 13% पानी मिलना चाहिए। भीख की तरह जो हमें 20% पानी मिलता है वो भी हम पूरा यूज नहीं करते, उसमें से भी हम सिर्फ 93% पानी यूज करते हैं ताकि हम ट्रीटी तोड़ने के आसपास भी ना आए। व्हाई इज इंडिया बीइंग सो जेनरस? ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने साइड पर बराज, कनाल्स, डैम्स मस्त बना रहा है। सीपीएसी के अंडर इन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी ले रहा है, वो उनके साइड के पॉपुलेशन की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और हम अच्छी इमेज रखने के लिए हमारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत को 2003 में ही कहा था कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर देखिए, क्योंकि आज भारत के जम्मू और कश्मीर के लोग इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जाकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने जो नोटिस भेजा है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, इसकी डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो बनाते समय पाकिस्तान ने इस नोटिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। अब दो चीजें हो सकती है, एक कि पाकिस्तान इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड करेगा एंड दूसरा कि पाकिस्तान इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिट कर पाएगा। ये हमारे फार्मर्स के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिर हम जो 80% पानी जाने दे रहे हैं उसे यूज कर पाएंगे। चैप्टर 4 कंक्लूजन। यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, पेपर्स पढ़ रहे थे, तो हमें सारे रिसर्च पेपर सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफेसर्स ने लिखे हुए मिले जो कहानी को सिर्फ उनके साइड से दिखाते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि आयुब खान को ब्लैकमेल करके ये ट्रीटी साइन करवाई गई थी। 80% पानी मिलने के बाद भी पाकिस्तान खुश नहीं है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखते हैं जिससे उनके देश का भला हो और उन्हें फायदा मिले। और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। जियोपॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। यहाँ कोई सही गलत नहीं होता, बस गेम होता है और गेम के प्लेयर्स होते हैं। हर प्लेयर को बस अपने इंटरेस्ट की सोचनी होती है। लेकिन हमारे देश के प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, एक्सपर्ट्स क्यों भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया के साथ शेयर नहीं करते? क्यों हम हमारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दुनिया के सामने नहीं रखते ताकि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक लॉजिकल डिबेट हो? दुनिया आज IWT को ग्लोबल कोऑपरेशन की एक मिसाल मानता है। क्या इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ हंसते हंसते कोऑपरेट किया? घंटा भारत ने पाकिस्तान को खुशी खुशी अपना पानी दे दिया, ये सोचकर कि दिस इज द प्राइस फॉर पीस। बट इज दैट ट्रू? क्या IWT ने किसी वॉर को रोकने में कोई मदद की? क्या पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये याद रखा कि अगर वो भारत पर अटैक करते हैं तो हम उनका पानी रोक सकते हैं और उनकी आम जनता को एक क्राइसिस में डाल सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दे टुक अस फॉर ग्रांटेड, दे टुक द फ्यूचर ऑफ देयर पीपल फॉर ग्रांटेड। और ये भारत की स्ट्रेंथ नहीं, ये भारत की वीकनेस। पानी को हम जीवन कहते हैं। पानी दुनिया में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है और सिचुएशन यही है कि पंजाब का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। आने वाले 20 सालों में पंजाब एक डेजर्ट होगा और तब हमें किसी भी तरह से नदियों के पानी की जरूरत होगी। तब हम क्या करेंगे? एक झटके से इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ देंगे या पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ेंगे? इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आज ही से नेगोशिएशन स्टार्ट करें ताकि 20 साल बाद होने वाले वायलेंस को हम टाल सके, एक रैशनल कंक्लूजन तक बिना वॉर पहुंच सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी है। हमने एक और भी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो देखी थी, जब इंडिया ने पहली बार नहीं लेकिन जब नोटिस भेजी तब प्रशांत सर ने भी इसके बारे में हमें समझाया था। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी हिस्ट्री और जो हमने पाकिस्तान के साथ जो अग्रीमेंट किए थे उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल इस वीडियो में भी दी थी। तो ये तो हमारे लीडर्स की गलती है जो जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी पाकिस्तान के साथ। अगर उस समय ऐसी दिलदारी दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये ट्रीटी नहीं साइन करते तो आज हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ती। जो हमारे पास है रिवर्स, उनका 80% आप पाकिस्तान को कैसे दे सकते हैं? अगर हमारी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही है तो उनको 80% देने की ज़रूरत क्या थी? और जो हमारे चाइना से जो हमारे यहाँ आती है वो तो ऐसा कुछ हमारे
बीच में तो ऐसा कोई अग्रीमेंट है नहीं, जो उनकी मनमानी है वही करते हैं चाइना वाले, तो फिर हम भी पाकिस्तान के साथ हमारी जरूरत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोक दो, लेकिन हमारी अपनी जरूरत पहले पूरी करो और फिर पाकिस्तान को दो, क्योंकि वो लोग तो अगर फ्लड आते हैं तो, जैसे इस वीडियो में भी बताया कि फ्लड आते हैं तो भी इंडिया की गलती, अगर ड्राउट आता है तो भी इंडिया की गलती, वो अपने आप को तो सिक्योर करने की सोचते ही नहीं है, अगर ना डैम बना रहे और कुछ भी नहीं, वाटर रिजर्व्स की बात भी नहीं करते, सिर्फ डैम बनाने के नाम पे पैसे खा जाते हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी, तो फिर कैसे देश चलेगा। और जो अभी हम इंडिया ने नोटिस भेजी है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान 90 डेज में उसका जवाब नहीं देता है तो हम इस ट्रीटी को ही पूरी बदल सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक बॉस बनना चाहता है इसमें, उनका क्या काम है, जो पहले से ट्रीटी में उनको इंक्लूड किया था वही नहीं करना चाहिए था। अगर दो देश के बाद बीच में कुछ मामला है तो वो दो देश मिलकर उसको सुलझाएगा, वर्ल्ड बैंक का इसमें क्या काम है। और जो हमारे पाकिस्तान के बीच में जो वॉर्स हुई है तब भी हमने पानी नहीं रोका, इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, अगर रोक देते तो आज वो इतने कूद नहीं होते। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।